तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे कुछ खास अपडेट लेकर आया हूं, जिनको एक बार आप लोग यात्रा करने से पहले जरूर देख ले, क्योंकि दोस्तों रेलवे हाल ही में कुछ ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट करने जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने 11 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया है, जिसमें दोस्तों पहली ट्रेन है ट्रेन नंबर 12996 अजमेर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, यह ट्रेन है 19 मार्च को अजमेर से बांद्रा टर्मिनस के बीच वाया पालनपुर अहमदाबाद बड़ौदा होकर संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 22901 बांद्रा टर्मिनस उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 19 मार्च को बांद्रा टर्मिनस से उदयपुर के बीच वाया बड़ौदा अहमदाबाद असरवा हिम्मतनगर होकर संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 19575 ओखानाथ द्वारा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 20 मार्च को ओखा रवाना होकर वाया अहमदाबाद असारवा हिम्मतनगर उदयपुर मावली होकर संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों ट्रेन नंबर 09723 जयपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल एक्सप्रेस, जो कि 20 मार्च को जयपुर से रवाना होकर वाया अजमेर पालनपुर अहमदाबाद बड़ौदा होकर मुंबई तक संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों ट्रेन नंबर 19667 उदयपुर मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 18 मार्च को उदयपुर सिटी से रवाना होकर हिम्मतनगर असारवा अहमदाबाद बड़ौदा होकर संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों ट्रेन नंबर 19711 जयपुर भोपाल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 18 व 19 मार्च को जयपुर से भोपाल के बीच वाया सवाईमाधोपुर कोटा नागदा होकर संचालित होगी। तथा दोस्तों ट्रेन नंबर 19712 भोपाल जयपुर एक्सप्रेस, जो 19 व 20 मार्च को भोपाल से जयपुर के बीच वाया नागदा कोटा सवाईमाधोपुर होकर संचालित होगी। तथा दोस्तों ट्रेन नंबर 19338 दिल्ली सरायवला इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 18 मार्च को दिल्ली सरायवला से इंदौर के बीच वाया जयपुर सवाईमाधोपुर कोटा रतलाम होकर संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों ट्रेन नंबर 12720 हैदराबाद जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 18 मार्च को हैदराबाद से रवाना होकर वाया नागदा कोटा स्वाईमाधोपुर जयपुर होकर संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों ट्रेन नंबर 12719 जयपुर हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 20 मार्च को जयपुर से रवाना होकर वाया स्वाईमाधोपुर कोटा नागदा होकर हैदराबाद तक संचालित होगी। इसके बाद दोस्तों ट्रेन नंबर 17019 हिसार हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 19 मार्च को हिसार से हैदराबाद के बीच वाया जयपुर स्वाईमाधोपुर कोटा नागदा होकर संचालित होगी। इसके साथ साथ दोस्तों रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया है, जिसमें दोस्तों इंदौर जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, जो कि 19 तथा 20 मार्च को रद्द रहेगी, तथा दोस्तों इंदौर असारवा इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 19 व 20 मार्च को रद्द रहेगी, तथा दोस्तों रतलाम भीलवाड़ा रतलाम एक्सप्रेस, जो कि 18 से 20 मार्च तक रद्द रहेगी। तो दोस्तों ये थी रेलवे की कुछ अपडेट। दोस्तों इन अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।